नगर सेवक आणि आमदार आपल्या समोर नाही लिया जा रहा है सर। तुम्ही एक तुम्ही इब्तदा इश्क है, रोता है कि आगे आगे देखो होता है क्या क्या है। देखिए मेरा सफर इंदिरा गांधी जी से लेके राहुल गांधी जी तक, संजय गांधी, राजीव गांधी, कैलाशवर्गीय राजीव गांधी, सब सब के साथ रहा है। खड़गे जी मेरे पिता समान हैं। और मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप, मोहन प्रकाश जी हैं अपने बड़े अच्छे बड़े भाई समान हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, तो रमेश चेन्नितला जो अभी प्रभारी है मेरे 45 साल का साथी, तो अभी होता है कभी कभी कोई चीज़ें इंसान को समझ में नहीं आती है, तो वहाँ बोलने के बाद में इंसान सोचता है कि चलो भाई अपना किनारा काशी कर लो, यहाँ बोलते हैं ना कौन सा शहर है कि अपना बेगाना, मतलब तो हिसाब से हमने सर क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में कोई ऐसा है नहीं, अभी जिसने भी फ़ोन किया होगा ये बोलना, एक संस्कारी आदमी हूँ, मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, मगर एक चीज़, वंस यू टेक अ डिसीजन यू शुड स्टैंड बाय इट। मैं आपको उस दिन बोल नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं कांग्रेस में था, मगर मैं यहाँ अचानक नहीं आया हूँ, मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों को आज से 15 दिन पहले बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा, सही बात है, कोई भी चाहेगा कि उसके परिवार से कोई सदस्य नहीं जाए, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, मजबूरियाँ इन द सेंस कि मेरे भी कुछ होता है ना कि घर में कुछ चीज़ें होती है कि जब नहीं लगता है कि भाई ठीक नहीं हो रहा है तो आदमी अपना किनारा कशी कर ले, वो अच्छा होता है। सर आपके चेहरे पर वो दुख आज भी देखने को मिल रहा है सर, लेकिन इस दुख के पीछे वजह क्या है? क्या महाराष्ट्र से कोई है जो इंस्टिगेट कर रहा है जो पूरे पार्टी? महाराष्ट्र से नहीं, महाराष्ट्र से क्या कोई होगा यार, महाराष्ट्र में तो क्या क्या हो रहा है वो आप ही देख रहे हो, महाराष्ट्र से क्या होगा कोई? अब कोई अगर टिप्पणी करेगा तो ईट का जवाब पत्थर से दूंगा, मैं रुका हुआ हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं आपको जवाब दूंगा जरूर। अभी आप समझदार हो गए, आप समझते होंगे, दुख तो होगा ना यार, दुख कैसा नहीं होगा कि जब मैंने मेरे बांद्रा क्षेत्र के लोगों के साथ में बात किया, सब लोगों से, वो भी कल किया हूँ मैं, तो दुख कैसा नहीं होगा? अगर दुख नहीं होगा तो मेरी मोटी चमड़ी होगी, जो शख्स की हो 48 साल जिस जगह में रहा हो, मैं मतलब तो यू विल फील द पिंच, ऑब्वियसली हाउ कैन यू नॉट फील द पिंच। अलायंस या महाविकास आघाड़ी को कोई फ्यूचर सच में है ऐसा लगता है 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर? मैं कोई भविष्यवाणी किसी का कर नहीं सकता हूँ, बट आई कैन से दैट आई विश देम गुड लक। मैं अजीत पवार जी के साथ में जाऊंगा और ये मैंने कहा था, पहले नहीं कहा था, पर मैं समझता हूँ जब आप कह रहे हैं बैनर लग गए हैं तो मैं अजीत पवार ग्रुप में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ना, तो कांग्रेस से मेरा प्रवास राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलेंगे राज्यसभा? क्यों नहीं, ऐसा ये कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, मगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जब जाऊंगा, जिस पक्ष में जाऊंगा उस पक्ष में उसी तरह वफादारी करूंगा जो इस पक्ष में, जो पक्ष में था उस तरह वफादारी में देखने को मिलेंगे सर। आप त्यांच्या बोलणं, तुम्ही त्यांच्या, ते ॲडल्ट आहे, ते पण 11 वर्ष, बहुतेक 17 वर्ष का था जब से वो भी यूथ कांग्रेस में था और सब चुनाव भी लड़ा है, तो आज वो भी 13-14 साल हो गया उसको भी कांग्रेस में, तो अपना